और 27 को आपके एग्जाम है भाई की रिविज़न वगैरह प्रॉपर चल रहा होगा और मॉक टेस्ट वगैरह भी आप देना शुरू कर चुके होंगे आप सभी है ना तो मॉक टेस्ट स्टार्ट करने का ये राइट टाइम है ठीक है अराउंड मतलब आप थर्टी डेज़ के आसपास रह जाते हैं प्रयास तो करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और जो भी अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उस पर रिविज़न पर जरूर फोकस करेगा ठीक है चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके लिए कवर कर रहे थे इंपॉर्टेंट जो मॉक टेस्ट है और अभी तक हम लोगों ने टोटल थ्री मॉक टेस्ट जो है कवर किए हैं आज हम लोग पार्ट फोर को कवर करने वाले हैं वेरियस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और प्रयास करूंगा कि इसमें और भी मैं एडिशनल और या फिर मैं बात करने जाऊँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ सो दैट जब भी आप एग्जाम में जाएँ तो आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाए आसान हो जाए कि आप इन सभी चीज़ों का प्रॉपर तरीके से तो मतलब आंसर वगैरह कर सकेगी तो so चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आगाज करेंगे आज के सेशन का क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट अपडेट है और सभी चीज़ों को वन बाई वन पूरी तरीके से और समझने का प्रयास चलिए सो so, जो भी कैंडिडेट कनेक्ट हो चुके हैं एक बार ये सभी लोग मुझे स्पीड से बताएंगे चैट सेक्शन के एवरी थिंग इज फाइन और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट कर लेंगे आज के सेशन आयुब के जितने भी आपके इससे पहले अभी प्रीवियस थ्री सेशन हो चुके हैं तो उनकी पी वगैरह मिल गई होगी कोई शिकायत नहीं होगी और अगर कोई शिकायत है पी से रिलेटेड तो वो भी मुझे बता दीजिएगा सो दैट वो भी सॉल्व आउट हो जाए तो गैस देखिए सभी को मालूम है कि इस समय हमारे एक विक्ट्री बैच है जो गोइंग ऑन है और टेक्स्ट बुक्स सुपर कोचिंग उसकी जो इन्फॉर्मेशन है आपको कोर्स के उसमें मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं और इसमें अभी भी जो डिस्काउंट्स ऑफर हैं वो गोइंग ऑन है ठीक है तो ऐसा नहीं है कि आपके जो डिस्काउंट्स अभी वो खत्म हो गए हैं आज भी अवेलेबल है अगर आज भी आप इनरॉल करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा बट आपको कूपन कोड लगाना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए दैट इज़ आर यस येस एच आई वी के टी टू गेट द मैक्सिमम दिस कूपन कोड इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर द डिस्काउंट ठीक है चलिए सबसे पहला क्वेश्चन और जरा बताएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर चलिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं अराउंड ट्वेंटी प्लस स्टूडेंट और ये धीरे धीरे संख्या बढ़ती रहेगी बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि गाइज जितने भी कैंडिडेट लेट आते हैं वो टाइम के साथ जरूर आएगा ठीक बोल रहे हैं कि डेट बहुत जल्दी निकाल दिया देखिए कौशल मतलब डबल आई ए टी सी ने भी अपने कौशल का प्रदर्शन किया है और डेट एक ना एक दिन तो निकलनी ही निकलनी थी ठीक है कब तक देखो हम लोग इंतजार करते तो देखो जो डबल आई मतलब का जो प्रक्रिया है ना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ये बिल्कुल सिमिलर प्रक्रिया है आईबीपीएस जैसी आईबीपीएस आपने देखा होगा जो बैंक के पीओ और क्लर्क के एग्जाम कंडक्ट करता है तो सेम वो भी यही करता है कि आपके मतलब पूरा आप ये मान करके चलिएगा कि छह महीने के अंदर सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो कंप्लीट करा देता है और जो उनका कैंडिडेट होता है उसको ज्वाइन करा देता है सारी चीज़ें करा करके तो उसी तरीके से ये भी है डबल ए आई टी सी है ना कि अगर आपने डबल ए आई टी सी के लिए डबल ए आई के लिए मतलब अच्छे से तैयारी कर ली तो विद इन सिक्स मंथ आपके पास जॉब होगी और बड़ी सैलरी भी आना शुरू हो जाएगी ठीक है और एक साल के अंदर तो आप तीन चार लाख रुपए कमा भी चुके हों तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने जरा बताएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा सभी को नमस्कार सभी को वेरी गुड आफ्टरनून जितने लोग जुड़ते चले जा रहे हैं दोस्तों चलिए अब वन बाई वन हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे और जो भी डिटेल हो सकेगा तो उसको पूरी तरीके से इसमें फोकस करने देखिए एक हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से एक हार्या एक आप कह सकते हैं कि ये एक फॉर्म है ठीक है डांस का जो किस पर्टिकुलर डांस परंपरा से जुड़ा हुआ है एक हार्या किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य ठीक है क्लासिकल की बात की जा रही है और क्लासिकल आपको मालूम है कि टोटल कितने आठ तो हमारी जो संगीत नाटक अकेडमी आप कह सकते हैं जो आपकी नाटक uh, अकेडमी है और uh, इस संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा ठीक है टोटल आपके आठ क्लासिकल डांस डिक्लेयर किए गए हैं और ये सभी के सभी आपके किस में भी परिभाषित है दे आर डिफाइंड इन द नाट्य शास्त्र दे आर डिफाइंड इन द नाट नाट्य शास्त्र तो इसमें भी परिभाषित है हैं और जो भी मिनिस्ट्री ऑफ आपका आर्ट एंड कल्चर है ये एक और डांस uh, को ऐड करने की बात कर रहा है दैट इज अ छाउ ठीक है सो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट तो अब इसमें से जो सही आंसर आप टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर ठीक है भरतनाट्यम आप सभी जानते हैं दैट इज एसोसिएटेड विद द तमिलनाडु ये तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है कथक जो है आपके यूपी से खासतौर से जुड़ा हुआ मिल जाएगा और uh, अगर मैं भरत इसकी कुचिपुड़ी की बात करने जाऊँ सो इट इज एसोसिएटेड विद द आंध्र और मोहनीअट्टम कृष्णअट्टम की बात कर जाएंगे सो अगेन इट इज एसोसिएटेड विद द केरला ठीक है सो आई होप दैट इज वेरी क्लियर पूछा जा रहा है सर जी कॉमन कैडरे का रिजल्ट कब तक आएगा आ जाएगा जल्दी बस इंतजार करिए कि जैसे ही मुझे लगता है कि इसका एग्जाम लगभग नज़दीक होगा तो कॉमन कैटेगरी का रिजल्ट आ जाना चाहिए ठीक है पूछा जा रहा है कि धुआंधार जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस नदी से मिलता है और आप ये बिल्कुल मान लीजिए कि आप अगर टेक्सट बुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं ना तो रिजल्ट की नोटिफिकेशन की हमसे पहले स्पीड में जानकारी कोई नहीं प्रोवाइड करता बस आप जुड़े रहिए है ना हमारे जो मतलब मोहित सर हैं अतुल सर हैं वैभव सर हैं ठीक है ये सभी लोग एकदम एकदम आप कह सकते एकदम मान लीजिए कि सुपर फास्ट स्पीड में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जैसे कोई रिजल्ट आता है नोटिफिकेशन आता है या आंसर किया बस आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए देखिए हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट वाटर फॉल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और वेरियस वेरियस एग्जाम्स में मैंने देखा है कि इन वाटर फॉल्स से जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए एक है महानदी जो आपके उड़ीसा में मिल जाती है जहाँ पर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं महानदी पर ठीक है आपने पढ़ाया हैगा कि महानदी पर आपका हीराकुंड डैम पड़ा हुआ है ठीक है हीराकुंड डैम ठीक है तो लेकिन इसमें डैम नहीं पूछा गया है इसमें पूछा जा रहा है आपके धुआंधार वाटरफॉल के बारे में बट इसमें नहीं है गोदावरी आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका महाराष्ट्र त्रम्बकेश्वर से इससे ओरिजन ओरिजन होता है और इस पर हम लोग एक डैम पढ़ते हैं जिसका नाम है जैकवड़ी डैम जिसको आप दक्षिण गंगा बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं अब नर्मदा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि नर्मदा की अगर आप ओरिजन की बात करने जाए तो इसका जो खासतौर से ओरिजन मिलेगा वो मिल जाएगा अमरकंटक अब अमरकंटक देखिए दो नदियों का ओरिजन है सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक नदी का ओरिजन है टक दो नदियों का ओरिजन है एक तो आप देखेंगे नर्मदा जो की वेस्ट फ्लोइंग यानी कि सबसे लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग पेनिसर रिवर है और दूसरी आप देखेंगे सोन नदी जो कि अपने आप में सहायक नदी है किसकी गंगा की और वो भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी तो राइट बैंक में गंगा की दो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं एक है आपकी यमुना और दूसरी है सोन नदी अब जब बात हो रही है नर्मदा की तो नर्मदा में याद रखेगा दोस्तों एक आपको पूछा जाता है बरघी परियोजना जो अपने आप में इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हम लोग पढ़ते हैं इंदिरा सागर ठीक इंदिरा सागर परियोजना और एक और हम लोग देखते हैं लास्ट में जिसका नाम है याद रखिएगा सरदार सरोवर तो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये आपके गुजरात में मिलती है और अपने आप में काफी इम्पोर्टेंट अब इसके किनारे आप एक शहर पाते हैं जिसका नाम है जबलपुर जो मध्य प्रदेश में बहुत ही डेवलप्ड सिटी है और लिटरेसी रेशियो में बेस्ट में काउंट की जाती है ठीक और इसी जबलपुर में आपका एक वाटरफॉल पाया जाता है जिसको आप धुआंधार भी कह सकते हैं या फिर इसको दूसरे शब्दों में कई लोग भेड़ाघाट के नाम से भी नाम से भी जानते हैं भेड़ाघाट के नाम तो आंसर ये प्रटी मच क्लियर अब इसमें ज़्यादा डिटेल में और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है एकता जी बोल रहे हैं मेरी आवाज़ लो है मेरी वॉइस अगर लो है तो प्लीज़ अपने मोबाइल का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है दर इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर नर्मद आप देखिए दोस्तों कौन कौन से वाटरफॉल फॉल हैं जो एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं मैं उसकी पूरी एक लिस्ट दे रहा हूँ सो बिल्कुल एकदम फोकस होकर के कॉन्सनट्रेट होकर के इसको पूरा सा देखेगा अब देखिए ये जब कुंचिकल की मैं बात करता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये है आपका कर्नाटका में और कुंचिकल और जोग इनको हम लोग सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल में काउंट करते हैं तो अगर ये पूछा गया कि भारत के सबसे ऊंचे वाटरफॉल कौन कौन से हैं तो याद रखेगा दरजा कुंचिकल और एक कौन सा जोग जिसको आप कई बार घरसोप्पा भी बोलते हैं और गांधी वाटरफॉल भी बोलते हैं ठीक है तो आपने इसको नाम दिया है घरसोप्पा या फिर मैं बात करने जाऊं दोस्तों गांधी अच्छा विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एक ही है जिसका नाम है दैट इज अंजल वाटरफॉल जो वेनेजुएला में मिलता है ठीक है धुआंधार आपने पढ़ लिया नर्मदा नदी में मध्य प्रदेश में मिल जाएगा कपिल धारा दूध धारा और पाताल पानी ठीक है तो ये सभी के सभी जो तीनों चारों वाटरफॉल है ये मध्य प्रदेश में इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो मिलता है आपको राजधारी ठीक है और हुंडरू वाटरफॉल वेरी इंपॉर्टेंट आपको हंड्रेड पूछा जाता है दोस्तों तो ये मिल जाएगा झारखंड में सुवर्ण रेखा रिवर पर बहुत ही आप कह सकते हैं सुवर्ण रेखा इंडस्ट्रियल रिवर है जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम धारा ठीक है जो आपको मिल जाता है दोस्तों कहाँ पर अगेन झारखंड में शिव समुद्रम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो शिव समुद्रम के बारे में हमने एक प्लांट वो पढ़ा था हाइड्रो पावर प्लांट शिव समुद्रम अगर आपको याद हो भारत के पुराने हाइड्रो पावर प्लांट में से एक शिव समुद्र जब हम लोग कवर कर रहे थे कौन सा आपका एक एम का एग्जाम था है ना एम पी अगर आपने दिया वो दोस्तों फिर इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट है सो दैट इज आ चचाई और चुलिया याद रखिएगा चचाई है आपका चुलिया जो है वो कहाँ पर पड़ता है राजस्थान में चंबल नदी पर फिर आपका जवाहर सागर राणा महात्मा राणा महाराणा मा, मा, प्रताप सागर ठीक है जवाहर सागर और गांधी सागर परियोजनाएं हैं और जो चचाई है याद रखिएगा ये भी अगेन मध्य प्रदेश में ही मिलता है अब जो चित्रकूट वाटरफॉल है ये दोस्तों अगेन आपका झारखंड में मिल जाएगा इंपॉर्टेंट ठीक है और इसके अलावा अगर दूसरा इंपॉर्टेंट है तो आपको ये पूछा जाता है एलिफेंट फॉल ठीक है जो आपको कहां पर मिल जाता है मेघालय में दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है और एक है आपकी सहस्त्र धारा ये अगेन आपको मध्य प्रदेश में ही भी मिल जाएगा ठीक है फिर आपका नोह कलाईकल ठीक है तो ये आपको मिल जाएगा अगेन मेघालय में फिर उसके बाद दूध सागर वाटरफॉल जो आपको गोवा में मिलेगा ठीक है और उसके बाद ये पुणे ठीक है तो ये मिल जाता है दोस्तों कहां पर कौन सा महाराष्ट्र में तो इतने हैं जो आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसके अलावा ज्यादा कोई डिटेल में आता नहीं है ठीक है सो इनको फोकस करके घर जाएंगे तो ये वाटरफॉल वाली जो समस्या है ये क्लियर हो जाएगी ठीक है यहाँ पर शाहरुख जी बोल रहे हैं कि राजस्थान स्टेट के राजधारी यहाँ बिल्कुल सही बोल रहा है वेरी गुड वेरी गुड यू एफ मोटिवेशन ने बोल दिया हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड यस दैट इज अ याद रखिएगा हाइएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड दैट इज अ एंजल जो आपके कहां पर है वेनेजुएला वेनेजुला पूछा जा रहा है विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर हेल्प टू रेडियो ट्रांसमिशन देखिए एटमॉसफियर की बात हो रही है एटमोसफियर एटमोसफियर आप सभी जानते हैं दोस्तों जिसका कंपोजिशन नाइट्रोजन आप 78 परसेंट पढ़ते हैं है ना इसमें आपने ऑक्सीजन पढ़ी है 21 परसेंट और बाकी जो 1 परसेंट आपने पढ़ा है वो कैसी है सभी अदर गैसेस हैं बाकी जो 1 परसेंट है वो सभी अदर गैसेस में आ जाती है ठीक है अदर गैसेस में अब आपने पढ़ा है कि जो एटमोसफियर है ब्लैंकेट ऑफ गैसेस होता है और इसकी टोटल पांच परतें होती हैं तो आपने इसमें पांच लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा ठीक इसमें जो सबसे नीची होती है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपो ट्रोपो के बाद होती है दोस्तों कौन सी स्ट्रैटो स्ट्रैटो के बाद होती है दोस्तों कौन सी मैशो मैशो के बाद जो होती है दोस्तों याद रखेगा दरिदा आयनो और आइनो के बाद जो होती है उसका नाम है एक्सोस्फेयर ट्रोपो सबसे याद रखिएगा लोएस्ट लेयर होती है यानी कि वातावरण से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं सब आपको ट्रोपो में ही मिलेंगी यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ गैसेस है आपको ट्रोपो में ही मिल जाएगा दस परसेंट ओजोन भी कंसिस्ट करती है लेकिन जो स्ट्रेटो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ओजोन लेयर के लिए जो सूर्य से आने वाली यूवी रेस को अब्जॉर्ब करती है कैंसर डिसीज वगैरह होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है लेकिन उसके लिए भी डिके और वो सी बहुत सारे कारण है सोलह सेप्टेम्बर नाइनटीन एटी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पढ़ के जाएगा और वो ओजोन डे सोलह सेप्टेम्बर तो ये जो स्ट्रेटो है ये मोस्ट स्टेबल है इसलिए जो भी आपके एरोप्लेन वगैरह हैं वो सब इसी में ही उड़ते हैं अब जब मैसो की मैं बात करता हूँ तो ये याद रखिएगा आप सबसे कह सकते हैं कि सबसे कोल्ड और फ्रिजिड ठीक है याद रखिएगा दोस्तों सबसे फ्रिजिड लेयर ये मानी अब इसके बाद जब आयन की बात करने जाएंगे तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है तो आप कह सकते हैं कि जी हाँ साउंड वेव इंपॉर्टेंट है और एक्जो को सबसे आपने क्या माना हुआ है आउटर लेयर के तौर पर देखते हैं सबसे आउटर ठीक है तो सबसे आउटर लेयर है एक्जो और कम्युनिकेशन के लिए जो हेल्पफुल है दैट इज अद रखेगा आइनो स्पेयर आइनो को कभी कभी हम लोग थर्मो के नाम से भी जानते हैं ये जो थर्मो है ना इसी की जो सबसे लोएस्ट लेयर है वही आइनो कहलाती है थर्मो और आयनो दोनों सेम है इसमें कन्फ्यूजन मत जाइएगा स्ट्रेटो ओजोन के लिए और एरोप्लेन उड़ने के लिए और ट्रोपो सबसे लोअर मानी जाती है और जहां पर उल्का पिंड वगैरह जल करके खत्म हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं है? वेस्वस्पेयर बोलते हैं जो सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं लोएस्ट टेम्परेचर की वजह से फ्रिजेड होती है सबसे ठंडा तापमान होता है पूछा गया कि समतल दर्पण में बनी छवि कौन सी होती है इसके बारे में जरा बताएगा कि विच वन इज राइट अपना पटना बिहार यस वेरी गुड आफ्टरनून ग्रीटिंग्स सभी का वेलकम गाइस और जो भी लोग कनेक्ट हो चुके हैं लाइक like बटन को तो हिट कर ही देना है ठीक है और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा सभी तो लोग बस ये जरूर करते चलें एवरी है ना और इसका आंसर भी करते चलें पाल तो इसमें डिमनिस्ड हो जाएगा ब्लड एंड इन्वर्टेड लेटरली इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड ठीक है तो इसमें से जो हम लोग राइट आंसर टिक करने जाएंगे ना यहाँ पर हम लोग जो करेक्ट आंसर टिक करने जाएंगे दैट इज अ ऑप्शन हाँ यस ऑप्शन याद रखिए अब ये पहले इमेज देख लीजिए उसके बाद ही आप आंसर करिए तो अगर आप इमेज देख लेंगे तो आंसर मुझे लगता है कि सही कर पाएंगे और अगर फिर भी कोई मिस्टेक हो रही है तो फिर मुझे बताइए फिर मैं तो डिमनिस्ड है ब्लड एंड इन्वर्टेड है लिटरली इन्वर्टेड है या फिर मैग्नीफाइड है और इसमें से जो सही आंसर मैं करने जा रहा हूँ याद रखेगा देर इज यस ऑप्शन थ्री इज राइट लिटरली इन्वर्टेड इज द करेक्ट आंसर तो अगर आपने ये इमेज देखी होगी तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रही होने वाली लिटरली ठीक है Literally, याद रखिएगा इन्वर्टेड इमेज आपकी बनती है ठीक है और कि वो भी किसकी बात हो रही है प्लेन मिरर की बात हो रही है ठीक है दैट इज ऑप्शन सीरी सी एच करेक्ट ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन <laughs> पूछा जा रहा है कि देखो दोस्तों तो पृथ्वी की जो लेयर होती है आपने अर्थ में हमने आज तीन लेयर पड़ी हुई है कि पृथ्वी की जब भी हम लोग लेयर की बात करते हैं सिस्मिक वे, वे गुजारते हैं तो सबसे पहले आपको मिलती है क्रस्ट क्रस्ट के बाद आपको मिलती है दोस्तों मेंटल और मेंटल के बाद आपको मिलती है कोर कोर की बात करने जाओ तो इसको दो भागों में डिवाइड करते हो एक होती है आउटर और एक होती है इनर जब भी हम लोग इनर की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये जो इनर कोर है ये एकदम सॉलिड अवस्था में होती है जिसमें आपका आयरन और निकल पाया जाता है क्या पाया जाता है दोस्तों आयरन और निकल जब हम लोग आउटर की बात करते हैं दोस्तों तो याद रखेगा ये आपके लिक्विड अवस्था में होती है अवस्था में होती है लिक्विड अवस्था में होती है दोस्तों ठीक है जिसमें चार्ज पार्टिकल्स वगैरह पाए जाते हैं और वो मैग्नेटिज्म का सबसे बड़ा कारण है अब इसमें से देखिए बहुत सारे लोगों ने बोला है जब हमने बात की थी डिस्कशन मैं ये टॉपिक आपको कई बार समझा चुका हूँ मैंने आपको एक पैटर्न याद कराया था कौन सा था देर वॉज द सियाल याद है किसी को सियाल फिर आपने पढ़ा होगा सीमा और एक आपने पढ़ा होगा कौन सा निफे अगर ये पैटर्न याद है सियाल सीमा निफे तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को इस क्वेश्चन को आंसर करने में कोई दिक्कत होनी चाहिए याद है क्या ये सभी को सियाल सीमा निफे अगर सियाल सीमा निफे की बात की गई है तो बात कर रहा है किसके अर्थकष्ट की यानी कि भूपरपटी की और भूपरपट्टी में अगर हम लोग देखने जाए तो अब ऑप्शन को ढूंढना शुरू कर दीजिए क्या सोडियम मिल रहा है नहीं मिल रहा है क्या यहाँ पे आयरन दिया गया है नहीं दिया गया क्या इसमें कैल्शियम की बात की गई है नहीं की गई तो एक ही बस ऑप्शन बचता है और इसका करेक्ट आंसर दैट इज एल्यूमिनियम तो सभी लोगों ने इसका एकदम करेक्ट आंसर कर दिया होगा अगेन पैटर्न याद रखेगा दैट इज अल सीमा एंड निफे और लेयर्स के ऑर्डर याद रखेगा दैट इज अस्ट मेंटल एंड कोर अगले सवाल पर चल रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पूछा जा रहा है कि उड़ीसा के पहले उड़ीसी शास्त्रीय नर्तक का नाम बताइए जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया तो ये कौन है केलुचरण महापात्रा हैं और विजयनी सतपथी हैं सुनल मानसिंह है और गंगाधर प्रधान है आप सभी लोग बताइएगा उड़ीसा की हम लोग बात कर रहे हैं ओडिसी शास्त्र में बहुत प्रसिद्ध है अपने आप में ये भी क्लासिकल का ही पार्ट है ना तो हमारे पास जो एट क्लासिकल डांसेस है जो संगीत नाटक अकेडमी ने परिभाषित किए हैं और ये सब लिए गए हैं आपके किस शास्त्र से उसी में इंक्लूडेड ठीक है तो इससे जो जुड़े हुए हैं दोस्तों याद रखिएगा ये कौन है दैट इज ऐ केलुचरण महापात्रा इज द राइट आंसर मुझे लगता है यहां तक सभी लोगों का जो आंसर है वो बहुत ही क्लियर तरीके से आ चुका हो यहां तक क्या सभी तरीके से सभी का आंसर क्लियर है सब लोग सेटिस्फाइड है एक बार प्लीज बता दीजिएगा सो दैट लगेगा मुझे कि हाँ सब कुछ क्लियर हो चुका है एवरीवन क्लियर है सभी का तो पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे ज़्यादा मौजूद तत्व तो कौन सा है ऑक्सीजन फिर आप बोलेंगे सिलिका फिर आयरन है उसके बाद आप एलुमिनियम कह सकते मतलब ऑक्सीजन है सिलिका है ठीक है उसके बाद आपका एलुमिनियम है फिर आयरन है और उसके बाद कैल्सियम है ठीक है तो ये हो गया दोस्तों अब देखो आ, केलुचर केलुचरण महापात्रा की के हम लोग बात कर रहे थे तो ये गुरु है परफॉर्मर है और एक्सपोनेंट भी है और इंडियन क्लासिकल डांस के और बीसवीं सदी में अगर हम लोग देखने जाएँ तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को क्लासिकल डांसेस को प्रसिद्ध किया हुआ है और इनको याद रखिएगा दोस्तों आ, मतलब पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है अब जो आप दूसरे देख पा रहे हैं जिनका नाम है विजयनी सतपथी याद रखिएगा ये अगर मैं इनकी बात करने जाऊं तो ये आपके प्रिंसिपल डांसर हैं ठीक है ये आपके जुड़े हुए हैं किससे नृत्यांग्रम डांस से और सोनल मानसिंह सोनल मानसिंह भी अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है ये भरतनाट्यम और उड़ीसी डांस से जुड़ी हुई है सोनल मानसिंह जी को भी पद्म भूषण मिल चुका है और पद्म भूभूषण पद्म भूषण में और पद्म भूषण टू में और फिर आते हैं आपके गंगाधर प्रधान और ये भी आपके इंडिया के उड़ीसी डांस से जुड़े हुए हैं दोस्तों ठीक है दो। तो ये इतना पार्ट क्लियर हो गया चलिए अगले सवाल में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक बैटल के बारे में बात हो रही है जिसका नाम है बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ प्लासी के अलावा आपने बहुत सारे बैटल्स पढ़े होंगे मैंने आपको हमेशा बोला है कि गाइज ये जो बैटल है ना इनको थोड़ा सा देख के जाना ही जाना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं एक तो पंद्रह का बैटल ऑफ प्लासी फिर पंद्रह में बैटल ऑफ वेदरा होता है फिर आप पढ़ते हैं कि 1500 सॉरी 1760 में बैटल ऑफ वानीवास होता है 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और फिर होता है 1764 में आपका कौन सा दैट इज अ बक्सर का युद्ध लेकिन ये जो बक्सर के युद्ध है और प्लासी के युद्ध है बहुत ही रिजल्टेंट माने जाते हैं यूरोपियंस यानी कि ब्रिटिशर्स के भारत में पावर गिन के पॉइंट ऑफ व्यू तो अगर आप इसमें देखेंगे तो जो ये प्लासी का युद्ध हुआ है इसमें एक साइड थे रॉबर्ट क्लाई और अगर वर्सेस में आप देखने जाएं अगेंस्ट में कौन थे तो ये थे बंगाल के नवाब और ये जो बंगाल के नवाब थे ये एक्चुअल में एक बूढ़े व्यक्ति थे और ये खुद नहीं लड़ते इनके बिहाब पे कोई दूसरा व्यक्ति लड़ता है जिनका नाम था सिराज उद्दौला ठीक है और इनके साइड से जो लड़ता है उसका नाम क्या था याद रखिएगा द मीर जाफर के साइड से जो लड़ता है देट वॉज द मीर जाफर मीर जाफर क्या करता है धोखा देता है याद रखिएगा ये धोखा देता है और ये धोखा देता है किसको अपने राजा को और बाद में अंग्रेज इसको ही राजा बना देते हैं और ये पपट किंग बन जाता है कठपुतली राजा तो ये बैटल ऑफ प्लासी जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्लासी का युद्ध प्लासी का युद्ध बैटल ऑफ प्लासी इज द बैटल इन द इंडियन हिस्ट्री दैट नेवर फॉट तो इसका नाम ही सिर्फ युद्ध है लेकिन ये युद्ध लड़ा नहीं गया ना तो किसी व्यक्ति ने किसी पर तलवार चढ़ाई नहीं चलाई नहीं किसी व्यक्ति ने किसी पर हमला किया हाँ बट इसको नाम युद्ध जरूर दे दिया गया क्योंकि दोनों बंगाल की सेना और अंग्रेजों की सेना दोनों आकर के आमने सामने हो जाते है लेकिन जब आमने सामने आते हैं तो नेगोशिएशन हो जाते हैं और नेगोशिएशन में लॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव लालच देते हैं बंगाल के नवाब कप्पात ऑफर कर देते हैं मीर जाफर को और मीर जाफर बोलता है कि यस यहाँ पर ना तू सिगरेट हो है ना और फाइनली अपने राजा को ही वो गद्दारी करता है और उसके राजा की बात में मौत हो जाती है ठीक है और बाद में ये पपेट किंग के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आई होप कि बहुत क्लियर आप लोग कर चुके होंगे कि इसमें जो सही आंसर हो जाएगा दर इज अस ऑप्शन सेकेंड इज द राइट आंसर तो इस बैटल को जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों इट वॉज द बैटल दैट नेवर फॉट इन द इंडियन हिस्ट्री कभी लड़ा ही नहीं गया बस नाम ही बैटल है सिर्फ इसमें ठीक है सिर्फ और सिर्फ हुए क्या नेगोशिएशंस और सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आई अंग्रेजों की सेनाएं आमने सामने आई तो अंग्रेजों को बाद में वॉर गिल्ट भी लेना पड़ा और जो तो मीर जाफर होगा वो अंग्रेजों को हर जाना के तौर पर एक बहुत बड़ी अमाउंट करोड़ों में राशि भी देगा ठीक है वो बोलेगा कि चलो भाई युद्ध नहीं हुआ तो मेरी गलती है और आपकी सेना तैयार होकर के आई थी तो मैं आपको एक वॉर गिल्ट देता हूँ ठीक है जाना दे देता हूँ पूछा गया कि अठारह जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विशाल विद्रोह हुआ तब मुगल शासक कौन था ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है अठारह वाला इसमें अलग अलग जगह से अगर आप देखेंगे दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिफरें लीडर्स ने रूल किया है ठीक है अकबर द्वितीय भी नहीं है औरंगजेब तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता ठीक है हाँ लेकिन औरंगजेब याद रखिएगा वो राजा था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ हमला जरूर किया था ना? और जब इसने अंग्रेजों पर हमला कर दिया बंगाल में तो अंग्रेज बहुत सारे अधिकारी अपनी नावें लेकर के बंगाल की खाड़ी में कूद पड़े थे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि आज के दिन बचा लो अगले दिन सीधे हम भाग जाएंगे यूरोप ठीक है और वो तो अच्छा हुआ कि फिर बाद में ये अपना कैंपेनिंग चेंज कर देता है अपने मतलब अधिकारी को वापस बुला लेता है सेनापति को और फिर अंग्रेज अपने साम्राज्य को फैलाना शुरू कर देते हैं ठीक है तो ना तो इसमें फर्रुखसियर है ना ही आज आपका अकबर दुती है और ना ही इसमें याद रखियेगा आपका औरंगजेब है तो करेक्ट आंसर एक ही है बहादुर शाह जफर तो आप देखेंगे दोस्तों की अठारह में ये आपके दिल्ली से रिवोल्ट करता है और इसके अगर सेनापति का नाम देखने जाए इसका जो जनरल था ठीक है याद रखेगा उसका भी नाम इम्पोर्टेंट रहता है बख्त का आपने पढ़ा होगा कि इसका जो मतलब सेनापति था जिसका नाम था बख्त का वो भी इनका इसका साथ देगा लेकिन बाद में बहादुर शाह जफर को आ, रंगून ले जा ले जाया जाएगा ठीक है इसको रंगून भेज दिया जाएगा ठीक है और रंगून सेंट टू रंगून ठीक अरेस्ट कर लिया जाता है और रंगून भेज दिया जाता है और रंगून में ही इस राजा की डेथ हो जाती है यानी म्यांमार में ही डेथ हो जाती है बर्मा में और वो भी कब अठारह बासठ में दोस्तों ठीक है और ये आप कह सकते हैं कि आखिरी भारत का मुगल साम्राज्य का राजा था ठीक है आखिरी लास्ट किंग ऑफ द मुगल डायनेस्टी लास्ट एम्पर ऑफ द इंडिया पूछा गया दोस्तों जो मैंगो सोवर है ये कॉमन है किस क्षेत्र में विच वन इज राइट नहीं नहीं ये यूएफ मोटिवेशन ये अंडमान निकोबार जेल में नहीं भेजे गए थे अंडमान निकोबार अलग है और म्यांमार अलग है दोनों तो को मत जोड़िए ठीक है थीके? म्यांमार अभी आपको मालूम होगा कि बहुत ही बुरी परिस्थितियों से गुजर रहा है और भारत के लिए भी वो बॉर्डर सिक्योरिटी और बहुत सारे कंसर्न है क्योंकि इस समय म्यांमार में बहुत सारे दल है जो आपस में इस समय फिड़ रहे हैं ठीक है सिविल वॉर वाली स्थिति है और म्यांमार दो भागों में डिवाइडेड होने को तैयार है तो या हो सकता है ज्यादा से भी भी भागों में डिवाइड हो जाए ठीक है क्योंकि पहले से वहां पर मिलिट्री कूप है जनता भी विरोध कर रही है ठीक है वहां की जो मुख्य नेता थी उनको अरेस्ट करके जेल में डाला गया है तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर दैट इज अ केरला

अब मानसून आने से पहले सबसे पहले वर्षा कहाँ पे होती है केरल में क्योंकि मानसून की शुरुआत ही तो केरल से होती है एक जून को भाई जो साउथ वेस्ट मानसून है आपका जिससे ही केरल में सबसे पहले बारिश शुरू हो जाती है तो इसको हम लोग क्या नाम देते इसको हम लोग अलग अलग नामों से जाना जा जाना जाता है मैं फिर से इसको समझा देता हूँ तो ये जो साउथ वेस्ट हम लोग मानसून देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून तो आप, आप आ, समर मानसून भी आपको मालूम है कि इसको हम लोग पढ़ते हैं कि गाइज ये कौन सा होता है मानसून बस्ट और ये जो मानसून बस्ट होता है ये सबसे पहले आपके कहां पर होता है एक जून को केरला में ही होता है सबसे पहली बारिश केरला में ही होती है दोस्तों और अगर केरला में डिले हो गई तो लगभग पूरे भारत में हम लोग बारिश को डिले मानते हैं ठीक है ठीके? तो ये याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज अरल केरल है ना आप मुझे इसमें और ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है तो सबसे पहले बारिश होगी केरला में कर्नाटका में ठीक है वो काफी इंपॉर्टेंट है और दूसरा इसको बोला जाता है दीज रेन्स हेल्प इन द राइपनिंग ऑफ मैंगूव एंड अकर्स एट द एंड ऑफ द समर सीजन यानी कि लगभग अप्रैल के आसपास भी आप कह सकते हैं कि बारिश हो सकती है फिर होती है आपकी ब्लॉसम सोवर ठीक है तो ये होती है चेरू ब्लॉसम इसको नाम दिया जाता है और ये आपके मतलब डिफरेंट डिफरेंट अर्ली मानसून से पहले आप कह सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये आपके डिफरेंट डिफरेंट मानसून है जो भारत में अलग अलग जगह पर कंडक्ट uh, होते हैं तो चलिए अगले सवाल में हम लोग चल रहे हैं तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन यस केरल इज द राइट आंसर सेकेंड अब ये जरा बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इंडिया को डेवलप नहीं होने दे रहा है चाइना अरे चाइना ब्रिक्स में पाकिस्तान को जोड़ रहा है है ना पाकिस्तान ज्वाइन कर लेगा ब्रिक्स को आ, पाकिस्तान ने अप्लाई कर दिया ब्रिक्स समिट में है ना ये याद रखिएगा क्योंकि अर्जेंटीना ने अपने आप को वापस ले लिया है आ, स, सभी को नमस्कार रोहित जी सभी को गुड आफ्टरनून बोला है भाई मैंने सभी को गुड आफ्टरनून बोला है कुलदीप जी सभी को नमस्कार सभी को नमस्कार है ना हाथ जोड़ करके नमस्कार सभी को राम राम पहुंचे ऐसा नहीं है सभी को गुड आफ्टरनून बोला दिया है और हो सकता है कि मैं कभी किसी क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में इमोशंस में बह गया हूं तो इस वजह से ध्यान नहीं दे पाया देखिए यहां पर आपने पढ़ा होगा दोस्तों एक संशोधन है जिसका नाम है एट्टी सिक्स अमेंडमेंट टू थाउजेंड टू और ये एट्टी सिक्स टू अमेंडमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें एक हम लोग पढ़ते हैं दैट इज आर ट्वेंटी फर्स्ट ए ठीक है दैट इज आर ट्वेंटी फर्स्ट ए इम्पॉर्टेंट और इसमें आप देखेंगे कि भाई छह से लेकर के चौदह साल तक के बच्चे को आपने क्या करना है फंडामेंटल राइट right है फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करने जाओगे ठीक है किसकी बात करने जाओगे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन और दूसरा इसमें आप पढ़ने जाओगे तो दैट इज आ फिफ्टी वन ए के बारे में पढ़ने जाओगे फिफ्टी वन ए के फिफ्टी वन ए के भी कहता है कि छह से लेकर के चौदह साल तक के बच्चे के लिए माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को मुफ्त शिक्षा के अवसर मुहैया कराओ ठीक है तो इट इज द बोला जाता है कि भाई इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन ठीक है ये फादर और गार्जियन की पेरेंट्स की यानी वो जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे को शिक्षा के अवसर मुहैया कराएं छह से चौदह साल तक के और ये फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है ठीक है इट इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी आई होप कि ये बहुत सारी चीजें क्लियर हैं अब इसमें ज्यादा कोई डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं ठीक है कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं सब कुछ क्लियर है गाइस ठीक है अच्छा अब इसमें एक एट्टी नाइन्थ अमेंडमेंट है एटी नाइन्थ अमेंडमेंट बड़ा पॉपुलर है एट्टी नाइन्थ अमेंडमेंट मुझे जरा बताइएगा कि एट्टी नाइन्थ अमेंडमेंट किससे जुड़ा हुआ है एवरीवन तो देखिए शिक्षा के बारे में अगर आप देखेंगे एजुकेशन के बारे में तीन जगह पर डिफाइन किया गया है आर्टिकल ट्वेंटी ए आर्टिकल फोर्टी याद रखेगा वो भी एजुकेशन के बारे में ही बात करता है और आर्टिकल फिफ्टी ए तीन जगह पर आपको एजुकेशन के बारे में बात की जाएगी ठीक है डीपीएसपी पी में इंक्लूडेड है ये और साथ ही में याद रखिएगा दोस्तों फंडामेंटल राइट्स में भी इंक्लूडेड है ठीक है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी इंक्लूडेड ठीक है अब इसमें से एक दिया गया फर्स्ट अमेंडमेंट तो ये याद होगा दोस्तों ये हुआ था नाइनटीन में जिसके तहत आपने नौवीं अनुसूची का नाम था लैंड रिफॉर्म ठीक है लैंड रिफॉर्म नवीन सूची जिसके तहत आपने फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत लैंड रिफॉर्म को जोड़ा था फिर जब भी हम लोग चौबीसवें संशोधन की बात करने जाते हैं तो दोस्तों ये याद होगा दोस्तों कि 1971 में हुआ था काफी इंपॉर्टेंट था चौबीसवां संशोधन भी दोस्तों है ना अच्छा फिर इसके बाद चौवालीसवां चौहत्तरवा एट्टी सिक्स ठीक है ये अलग अलग अमेंडमेंट है जो आपके पूछे जाते रहते हैं एग्जाम में तो आई होप कि मैंने एक बार शायद कभी ये पूरा एक्सप्लेनेशन किया अगर आप प्रीवियस सेशन देखने जाएंगे तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वगैरह हैं इन सभी को भी एक्सप्लेन किया हुआ है दोस्तों ठीक है यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलिए हाँ ओके okay, ठीक चलिए अगला सवाल देखेंगे पूछा जा रहा है शासक अलाउद्दीन खल ने अपने शासनकाल के दौरान कितने प्रकार के कर लगाए थे ये जरा बताइएगा अलाउद्दीन खलजी अलाउद्दीन खल है ना के बारे में आपने पढ़ा था कि जी हाँ ये शासन करता है बारह से लेकर के कहाँ तक तेरह तक और ये कई रिफॉर्म इसके पहले तो बचपन का नाम अली गुरु शाप आपने पढ़ा होगा ठीक अली गुरु शाप आप पढ़ते हैं कि इसके बचपन का नाम अली गुरु शाप था और इसके आप कई रिफॉर्म पढ़ते हैं रिफॉर्म में सबसे पहले आप देखेंगे मार्केट रिफॉर्म जो अपने आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट था और उसके लिए एक ऑफिशियल नियुक्त कर देगा जिसका नाम होगा सहना ठीक है और जो बोलेगा मेरा वचन ये मेरा आदेश है ना और एम फिक्स कर देगा उसके बाद देखेंगे कि आर्मी रिफॉर्म करेगा ठीक है कैश में सैलरी देना शुरू कर देगा दोस्तों ठीक है कैश पेमेंट करना शुरू करेगा ठीक है ये सारी चीज़ें करेगा आर्मी रिफॉर्म करेगा दाग और हुलिया एग्रीकल्चर रिफॉर्म भी हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कृषि में भी ये सुधार करता है काफी हद तक और टैक्सेशन रिफॉर्म भी करता है टैक्सेशन में सबसे पहले तो जो भी जमींदार थे उनको खत्म कर देगा एकता सिस्टम खत्म कर देगा सीधे टैक्स लेना शुरू कर देगा दक्षिण नॉर्थ इंडिया से दक्षिण भारत में हमला करेगा कई बार हमला करेगा बहुत सारा धन जीत लेगा अपने सेनापति मलिक कपूर जिसका नाम हरजा हजार था उसके उसके दम पर तो इसमें से जो टोटल टैक्स लगाए गए थे वो कितने प्रकार के थे टोटल थ्री टैक्सेस याद दोस्तों प्रकार के ये नए टैक्स लेकर के आता है तो ये काफी इंपॉर्टेंट थे थ्री टैक्सेस ठीक है काफी इंपॉर्टेंट है और एक होता है इसमें जजिया एक याद रखिएगा घराई और एक है आपका जकात फिर से बोल देता हूँ जजिया घराई और जकात टैक्स ठीक है तो ये तीन प्रकार के टैक्स लगा देता है जजिया जजिया आपको मालूम है कि ये नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था फिर दूसरा था याद रखेगा दोस्तों घराई टैक्स और एक याद रखेगा दोस्तों कौन सा था जकात टैक्स ठीक है तो ये तीन प्रकार के जो टैक्स होता है थ्री टाइप ऑफ टैक्स ठीक है ये इम्प्लीमेंट करता है थ्री टाइप ऑफ टैक्सेस इसी प्रकार से कई बार पूछा जाता है कि जो कि जिसका नाम क्या था मोहम्मद बिन तुगलक 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 उसका जो भाई था था जिसका नाम फिरोज फिरोज शाह शाह तो तुगलक भी चार प्रकार के टैक्स लेकर के आएगा जिसमें से आप पढ़ेंगे जजिया जकात खम्स और खिराज तो फिरोज शाह तुगलक के भी टैक्स पूछे जाते हैं उसके चार थे जजिया जकात खम्स और खिराज और अउलुद्दीन खिलजी के जो टैक्स पूछे जाएंगे दोस्तों थे तीन प्रकार के टैक्स थे जजिया घराई और दूसरा कौन सा याद रखेंगे आप जका टैक्स ठीक है तो काफी इम्पोर्टेंट है और ये सभी अलग अलग प्रकार से मतलब सेंट्रल uh, के लिए कह सकते हैं कि दोस्तों एक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर थे दोस्तों ठीक सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर थी ठीक है तो ये जो घराई टैक्स था आप कह सकते इट वॉज अ प्रॉपर्टी टैक्स ठीक है जो घराई टैक्स मैंने लिखा हुआ है इट वॉज अ प्रॉपर्टी टैक्स ठीक है समझ में आएगा दोस्तों तो ये हाउसिंग टैक्स हुआ करता था और जमीन को मापने के लिए इसने ऑलरेडी इसवा वर्ड जो है इस्तेमाल किए हुए थे और आपको मालूम है जो जजिया टैक्स हुआ करता था मुस्लिम लोगों पर था जो नॉन मुस्लिम थे यानी कि मुस्लिम बिलीफ को नहीं स्वीकार करते थे तो वो एजा दिमीज बोला जाता था ठीक है अच्छा और दूसरा आपने पढ़ा कि जो जक, जकात टैक्स था ये सिर्फ आपके मुस्लिम्स पे लगाया जाता था दोस्तों ठीक है जो ये मुस्लिम्स पे लगाया जाता था ठीक है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट था मुस्लिम्स पर जकात हो गया और जजिया हो गया नॉन मुस्लिम्स पर और जो प्रॉपर्टी टैक्स था उसका नाम क्या था घराई टैक्स ठीक है बाकी ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ कि इसने आ, आपके आ, अलाई दरवाजा का निर्माण किया है सातून महल का निर्माण किया है हौज खास का निर्माण किया हुआ है, दोस्तों ठीक है इसने अपने फादर इन लॉ यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की भी हत्या की हुई है मंगलों के साथ ये प्रॉपर तरीके से लड़ा भी है दोस्तों ठीक है ब्लड एंड आयरन फॉल्स जो बलबन की थी उसको भी ये फॉलो करेगा ठीक है और इसने पहला ऐसा राजा था जिसने राजपुताना राज, के भी बहुत सारे क्षेत्रों छे, को जीता गुजरात को जीता रणसंभौर को जीता चित्तौड़ को जीता मालवा मालवा को जा, जालौर को इन सभी को जीता और साथ में दोस्तों ये साउथ मतलब पर भी हमला करेगा साउथ पर भी हमला करेगा ठीक है चले अगले क्वेश्चन देखिएगा जरा नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया है कि चित्रंजन दास निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल अरुख जी बोल रहे हैं ये वाला तुक्का था अच्छी बात है आपका तुक्का सही हो गया मुबारका आपको है ना अगल बधाइयां और बहुत अच्छी बात है ये है ना और अगर एग्जाम में भी ऐसे तुक्के मारे हैं तो प्लीज़ उस समय लिख दिए लिख दिया करिए ओएमआर के बगल में बहुत ही छोटे शब्दों में कि ये मेरा तुक्का था एग्जैक्ट जो आपकी जो आंसर मशीन होती है ना चेक करती है आपको उस सवाल के लिए डबल मार्क्स दे देंगे हाँ।, हाँ बिल्कुल देते हैं यस ये बहुत पहले से चला आ रहा है मतलब ये दोनों में लगता था दोनों कम्युनिटी पे हिंदी कम्युनिटी पे भी लगता था और नॉन uh, मुस्लिम मतलब कम्युनिटी पे भी लगता था जो जजिया था और जो मुस्लिम कम्युनिटी पे लगता था वो जकात और ये लंबे समय तक कंटिन्यू भी रहा है ये बिल्कुल सही है बात है आपकी असर ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है ठीक है दैट इज ऑप्शन वन इज द राइट आंसर आपने चित्रंजन दास के बारे में पढ़ा होगा कि एक एडवोकेट थे पैसे से याद रखेगा एडवोकेट थे और इन्होंने अली राजपुर जो बॉम्ब कॉन्स्प्रेशी था ना अली राजपुर याद होगा आपको ठीक है जो तो अली राजपुर बॉम्ब कॉन्स्प्रेशी थी ये जो बॉम्ब कॉन्स्प्रेसी वाली घटना थी इस केस को भी लड़ा था जो उन्नीस में घटित हुई थी और इन्होंने किसको खासतौर से जो अरविंद घोष थे उनको बचा ले गए थे ठीक है इनको हम लोग देश बंधु के नाम से जानते हैं ठीक है याद रखिएगा देश बंधु को आ, का टाइटल दिया गया सी आर दास जी को और सी आर दास जी ने एक पार्टी भी स्थापित की थी एक पार्टी पूछी जाती इनके द्वारा एक पार्टी स्थापित की गई थी जिसका नाम था स्वराज पार्टी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जरूर पढ़ के चली जाएगा स्वराज पार्टी और उन्नीस में अगर आप देखने जाए ना तो 1922 में ये जो गया अधिवेशन हुआ था 1922 की मैं बात कर रहा हूँ तो आईएनसी की जो गदा गया अधिवेशन था तो उसमें भी इन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया हुआ था दोस्तों ठीक है काफी इम्पोर्टेंट तो है महात्मा गांधी जी के देखिए राजनीतिक गुरु कभी पूछे गए महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु हैं वो हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले भगत सिंह जी के राजनीतिक गुरु कभी पूछे गए सरदार तो सिंह सारभा ठीक है भगत सिंह जी के जो राजनीतिक गुरु है सरदार सिंह सारवा और महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले साहब है और सुभाष चंद बोस जी के जो, जो राजनीतिक गुरु है पढ़ के चले जाएगा दट इज दट इज दट इज आयोग सभी मानते हैं दास साहब ठीक है सीआर दास साहब बिल्कुल सुभाष चंद्र बोस साहब देखो आप सभी को मालूम है कि इनके नाम का जो एयरपोर्ट है इस समय आपके आ, वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है जिसको दमदम एयरपोर्ट बोलते हैं दमदम एयरपोर्ट ठीक है तो वेस्ट बंगाल में ही लोकेटेड है ना और दूसरा आप सभी जानते हैं कि इनकी एक स्टैचू भी लगाई गई है इंडिया गेट के जस्ट सामने है ना जो वार मेमोरियल है वहां पर और 23 जनवरी इनका जो है डेट ऑफ बर्थ जिसको पराक्रम दिवस के तौर पर हम लोग मनाते हैं तो अगले सा, अगले साल फिर से मनाएंगे हम लोग ठीक है और इनको देश नायक का भी टाइटल दिया गया था दोस्तों ठीक है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन को भी लीड किया था आई में फिर बाद में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं रिजाइन कर देते हैं दोस्तों ठीक है और इनके नाम का एक स्पोर्ट इंस्टीट्यूट भी है पटियाला में लोकेटेड और इनके नाम पर एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसका नाम है आवदा

तो सत्त सत्ताईस दिसंबर में एग्जाम है और नवंबर एंड तक का मैं पूरा करंट आपको कराने वाला गुजरात है पंजाब है उत्तराखंड या गोवा सही आंसर बताएगा जरा कि विच वन इज राइट आप इसमें से करेक्ट करेंगे और इसका जो सही आंसर है दर्जा पंजाब इज द राइट आंसर ठीक है तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्जा पंजाब तो ये याद रखिएगा ऑपरेशन ओ पी क्लीन लेकर के आया है दोस्तों ठीक है ऑपरेशन ओ पी क्लीन ठीक है आपको मालूम है नशा मुक्त ऑपरेशन भी पंजाब में लॉन्च किया गया है ठीक है क्योंकि वहां पर जिस मतलब जो ड्रग एडिक्स की स्थितियां हैं उसको बेहतर किया जाता है पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू मैंडलीव पीरियोडिक टेबल व्हाट वाज़ द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम विच वाज़ लेटर रिप्लेस बाय द गैलियम मैंडलीव की आवर्ष सारणी के अनुसार एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या था जिसे बाद में गैलीमियम ने प्रतिस्थापित कर दिया ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विच वन इज राइट और इसमें से आप किस ऑप्शन को करने जाएंगे और इस इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है गाइस इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज इज 68 वेरी गुड क्या बात है रोहित एकदम सही जवाब दिया है का तो नहीं मारा है ठीक है बाकी लोग इस समय तुक्के की तलाश में है। तो राइट आंसर ऑप्शन थ्री है तो दर सिक्सटी है ठीक है निम्नलिखित में से किसने गोरा उपन्यास लिखा गोरा ठीक है और इन्होंने गीतांजलि किताब भी लिखी थी इसके लिए इनको क्या मिल गया था नोबल प्राइज लिटरेचर का वो भी नोबल प्राइज ठीक है तो गोरा उपन्यास की बात कर रहा हूँ जरा बताएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वन इज राइट गोरा उपन्यास बहुत प्रसिद्ध रहा है दोस्तों और ये इन्होंने लिखा है किसके ऊपर नेशनल कंसीक्वेंसेस ऑफ इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में जो भारत की स्थितियां थी उसके ऊपर इन्होंने लिखा है गोरा गोरा का मतलब अंग्रेज है ना गोरा का मतलब अंग्रेज ठीक है तो जरा बताइएगा किस में से करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अलावा जैसे हम लोग प्रेमचंद की बात करने जाएं तो इन्होंने सेवा सदन लिखे हैं निर्मला रंगभूमि और कौन सा है आपका कौन सा है कर्मभूमि गबन और गोदान तो गबन गोदान सेवा सदन और निर्मला और रंगभूमि और कर्मभूमि ठीक है ये इन्हीं के हैं किनके प्रेमचंद प्रे, साहब के महात्मा गांधी जी की अगर हम लोग बात करने जाएं तो इनके द्वारा तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं यंग इंडिया है ना और दूसरा आपने पढ़ा होगा दोस्तों कौन सा है इंडियन ओपिनियन है ना हरिजन और आपने पढ़ा होगा माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ ठीक है ये सब हम लोग इसके जुड़ी हुई पढ़ चुके हैं तो अभी रविन्द्रनाथ टैगोर साहब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों अभी आपको मालूम होगा कि जो शांति निकेतन है जिसके साथ ये एसोसिएटेड रहे हैं इनके पिताजी भी एसोसिएट रहे हैं तो जो शांति निकेतन है ये जो शांति निकेतन है आपको मालूम है कि वेस्ट बंगाल में जो इसको आपका 41 वन यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है ठीक है तो ये हमारे लिए एक है हेरिटेज साइट और दूसरा भी रविंद्रनाथ टैगोर साहब की आउटर इंडिया आउटसाइड आप कह सकते हैं एक आउटसाइड इंडिया एक स्टैचू बनाई गई है कोई बता सकता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की जो एक मूर्ति है आउटसाइड इंडिया कहां पर इनोग्रेट की गई है रिसेंट में हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के द्वारा एनी वन हाँ बिल्कुल नाइटहुड अवार्ड भी त्याग दिया था इन्होंने चोरी चौरा इंसिडेंट चोरी चौरा सॉरी दिल्ली वाला बाग मसाकर के अगेंस्ट में और ये 1919 में जो घटना हुई थी हाँ याद रखिएगा दैट इज ऑफ वियतनाम उनके अभी हाल ही में एक स्टैचू इनागरेट की गई है देश से बाहर और वो कहां पर वियतनाम में ठीक है वियतनाम में तो वियतनाम में दो मूर्तियां इनागरेट की गई हैं एक याद रखिएगा आपकी किन की आ, गांधी जी की और दूसरी है आपके रविन्द्रनाथ टैगोर साहब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो जरा बताएगा किसका क्या होगा पहले तो फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड का भाग है तो पंद्रह से लेकर के आप याद रखिएगा तक जुड़ा हुआ है यूएसए से टोटल कितने हैं आपके छह फंडामेंटल राइट है ठीक है टोटल फंडामेंटल राइट कितने और कहाँ से लिया गया दोस्तों यूएसए से लिया गया तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन है राइट टू इक्वालिटी है या फिर राइट टू वोट तो गाइज ये जो राइट टू वोट है ये फंडामेंटल राइट right नहीं है इज़ अ लीगल राइट ठीक है आप इसको इज अ लीगल राइट आप लीगल राइट right की कैटेगरी में डाल सकते हैं लेकिन फंडामेंटल राइट right में नहीं डाल सकते आंसर इज़ वेरी क्लियर या प्रति क्लियर दैट इज़ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर दट इज ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर सो इट इज़ अ लीगल राइट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट आपके राइट टू इक्वालिटी है ना चौदह so, से लेकर उन्नीस तक आर्टिकल फिर उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम मतलब 19 से लेकर चौदह से लेकर के 18 फिर 19 से लेकर के 22 राइट अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन तेईस और चौबीस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर के 28 फिर आपने पढ़ा होगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स उन्नीस और तीस फिर आपने पढ़ा होगा दोस्तों कौन सा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ आर्टिकल थर्टी और आर्टिकल जो थर्टी था संपत्ति का अधिकार वो ऑलरेडी हटा दिया गया इसमें से जो करेक्ट आंसर आप टिक करने जाएंगे दट इज सिलोंग जी हाँ दट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ठीक है ऑप्शन बी इज राइट ठीक है चलिए अगले सवाल पर हम लोग चल लेते हैं पूछा जा रहा है कि ओम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज द समर सोलिस्टिस फॉल्स तो ये जो समर सोलिस्टिस है ना दोस्तों ये किस तिथि को पड़ता है इसके बारे में जरा बताइएगा कि जो समर सोलि किस तिथि में पड़ता है बाईस दिसंबर को तेईस सितंबर को इक्कीस मार्च को या फिर इक्कीस जून को समर सोलिस्टिस का मतलब क्या है दोस्तों लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट इसकी बात है लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट तो ये वो स्थितियां हैं जब आपका कूलर भी काम करना बंद कर देता है और एकदम नॉर्थ इंडिया में बहुत गर्मी होना शुरू हो जाती है ठीक है ये वाला पार्ट है ये वाली स्थिति और यहाँ पर तो इक्वल डे इक्वल नाइट ठीक है ये आप देखेंगे इक्वल डे इक्वल नाइट है ना ये आपका जून हो गया दोस्तों ये हो गया तो कौन सा सितंबर वाला पार्ट ये होगा तो कौन सा दिसंबर वाला पार्ट और ये होगा दोस्तों कौन सा मार्च वाला पार्ट तो यहाँ पे तो 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात हो जाएगी ठीक है 12 घंटे का आपका दिन और 12 घंटे का दोस्तों क्या आपकी क्या हो जाएगी राय रात जून में आपने देखा कि लॉन्गेस्ट डे ये है आपका ट्वेंटी जून इस जून को होगा ये और दिसंबर में अगर आप देखने जाएंगे तो बाईस दिसंबर तो अभी बस आने वाला है आप देख पा रहे होंगे कि एकदम शॉर्टेस्ट डे यानी कि दिन कैसे गायब हो जाता है पता नहीं चलता है सुबह हुई दोपहर हुई और शाम हो गई ठीक अ लॉन्गेस्ट नाइट ठीक लॉन्गेस्ट नाइट दोस्तों लेकिन जो मोबाइल चलाते रहते हैं उनके लिए तो भाई नाइट भी बहुत छोटी है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्या बात है क्या बात है बहुत सुंदर अति सुंदर है ना सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल जस्ट लाइक वाओ बहुत सारे लोगों ने सही आंसर किया सो so, ये जो है आपके याद रखेगा ये जो तेईस सेप्टेम्बर और मार्च है ये आपने पढ़ा होगा कि वर्नल और मतलब ये मतलब आपके पास शरद ऋतु बसंत ऋतु का टाइम है तो बारह घंटे का आपका दिन हो जाएगा और बारह घंटे की आपकी क्या हो जाएगी दोस्त तो रात हो जाएगी इक्वल और और यहाँ पर कौन सा हो जाएगा विंटर सॉलिस्ट ये आपका विंटर सॉलिस्ट विंटर सॉलिस्ट अगले सवाल में चलिएगा जरा बताएगा आंसर नहीं देखा होगा लेकिन आप लोगों की नजर इतनी तेज है सेकंड तो, तो, तो यूटिलिटी लेवल है प्राइस लेवल है इनकम लेवल है और एक्सपेंडिचर लेवल है वन राइट। आप लोगों ने देख लिया होगा मैं जानता हूँ बहुत पैनी नजर है से भी तेज नजरें हो सकती हैं आप लोगों की इसका जो करेक्ट आंसर है इज 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 यस ऑप्शन 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 सेकंड 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 द द राइट 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 आंसर आंसर ठीक ठीक है है चलिए अगला सवाल पूछ रहा है कि महाकुंभ दो का कहाँ पर होने वाला है तो देखो भाई दो में एग्जाम दे देना है 2024 में नौकरी ले लेनी है और 2025 में महाकुंभ में नहा करके जो भी अपने पाप है उन सबको धो लेना है ठीक है तो एकदम बढ़िया सा शेड्यूल है दिसंबर में पेपर है जनवरी में बढ़िया रिजल्ट रिजल्ट आएगा और सबका डी भी हो जाएगा है ना ये दो में सैलरी वैलरी आ जाएगी और पच्चीस में बढ़िया कुंभ में जा करके नहा के सारे पाप खत्म कर लीजिएगा ठीक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है देखिए कुंभ आपको मालूम है कि जो लगता है वो चार ही शहरों में लगता है ठीक है चार ही शहरों में लगता है ऑर्गेनाइज होता है ठीके? एक है आपका हरिद्वार है ठीक है एक आपका हरिद्वार है यहाँ पर होता है और दूसरा हम लोग देखने जाए तो आपका प्रयाग में भी होता है जिसको आप अलाहाबाद पहले बोलते थे प्रयाग है आपका कहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाद आता है आपका दोस्तों ना सकते ही लोकेशन है हमारे पास और एक और आप कह सकते हो दोस्तों आसाम आसाम में एक है अम्बुबाची ये फेयर है अम्बुबाची ये एक मेला आप कह सकते हैं दोस्तों ये फेयर है बहुत बड़ा जो खासतौर से लड़ता लगता है कहाँ पर जो गुवाहाटी में एक देवी का टेम्पल है कमाख्या देवी टेम्पल कमाख्या देवी टेम्पल के पास लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट क्या बोला जाता है इसको कुंभ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आप बोलते हैं किम्ब ऑफ नॉर्थ ईस्ट और इसको तो आपको मालूम है ये ऑलरेडी यूनेस्को में भी डाला जा चुका है ठीक है तो ये ऑलरेडी यूनेस्को में भी ऐड हो चुका है ठीक है जो महाकुम्बई याद याद रखिएगा इट इज द पार्ट ऑफ द यूनेस्को तो ये यूनेस्को का भी पार्ट है अब ठीक है तो ये आपका होने जा रहा है कहाँ पर यूपी में दोस्तों ठीक है क्योंकि जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए थे उनमें से कोई भी सिटी इन राज्यों में नहीं है तो कौन लोग हैं भाई जो अलग स्टेट को टिक कर रहे थे क्योंकि देखो हरिद्वार उत्तराखंड में पड़ता है नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है तो बाकी अदर ऑप्शन में जाने का तो कोई मतलब ही नहीं था हाँ अच्छा मुझे भी लेकर के जाओगे ठीक है भाई तो मैं भी अपने धोलूंगा जो भी पाप वाप होंगे है ना और चलेंगे फिर मैं भी चलूंगा अगर ऐसा चाहते हो कि मैं भी पाप मुक्त हो जाऊँ तो ले चलना अपने पैसे से पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एवी पी एम जे वाई सेहत योजना के तहत हंड्रेड परिवारों को सम्मिलित करने वाला भारत का पहला पहला जिला बन गया है जरा बताइएगा कि वन इज़ द आंसर। आपने पढ़ा होगा आयुष्मान भारत भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये जेवाई का जेएवाई का मतलब समझ लीजिएगा यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ जन आरोग्य योजना की हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं जन आरोग्य योजना की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर ठीक है तो करेक्ट तो आंसर हो जाएगा दैट इज यस ऑप्शन वन इज द राइट आंसर सांबा जम्मू एंड कश्मीर ठीक है यस दैट इज ऑप्शन वन इज राइट भाई जम्मू एंड कश्मीर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है तो मान लीजिए आपकी जम्मू एंड कश्मीर ना रोज नए नए रिकॉर्ड बना रहा है और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर ये तरक्की कर रहा है ना रोज तो ये मान करके चलिएगा कि आने वाले टाइम पीरियड में डेफिनेटली जम्मू कश्मीर का ना बहुत अच्छा हमको ग्रोथ वगैरह देखने को मिल जाएगा ठीक है Uh, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन वन इज़ राइट ठीक है अगला सवाल देखिए पूछा गया कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोर्टल लॉन्सड फॉर मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ जस्टिस मिनिस्ट्री तो देखिए दोस्तों मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है केंद्र सरकार के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई है जिसके तहत आप अपने जो भी मतलब आपके केसेस वगैरह है आप उनको ट्रैक कर सकते हैं तो आपके ने जो भी मामला वगैरह फाइल किया हुआ है उस पर डिसीजन वगैरह कहाँ और किस स्तर तक पहुँचा तो न्याय विकास पोर्टल होगा इन्फो विकास पोर्टल हो जाएगा सी एस एस मॉनिटर पोर्टल हो जाएगा या फिर भारत पोर्टल हो जाएगा और इसमें से जो सही आंसर याद रखेगा दट इज क्वेश्चन का एकदम कैसा होने वाला है जी हाँ करेक्ट आंसर होने वाला करेक्ट आंसर होने वाला दट इज न्याय विकास पोर्टल ठीक है अब देखो गाइज फिर से अगेन इन्फॉर्मेशन कि जी हाँ आप बिल्कुल अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं विक्ट्री बैच के साथ पच्चीस अक्टूबर से आपका कोर्स गोइंग ऑन है और सारे बेस्ट फैकल्टी पूरी मेहनत के साथ पूरी के साथ लगे हुए हैं और जो आपका डिस्काउंट्स है वो अभी भी गोइंग ऑन है ठीक है तो बिल्कुल आप डिस्काउंट्स का आज भी फायदा ले सकते हैं और अगर आप कूपन कोड लगाते हैं एस एच आई वी के टी तो कोर्स के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है कोर्स की ज्वाइन कर लीजिएगा वहाँ पर क्लिक करके ठीक है पूछा जा रहा है कि द सहारा डिजर्ट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीनेंट सहारा और दूसरा याद रखिएगा कल्हारी सहारा और कल्हारी डिजर्ट आप कह सकते हैं ये दोनों लोकेटेड और लेक विक्टोरिया भी कह सकते हैं आप लेक विक्टोरिया भी कह सकते हैं और ये एक्चुअली में याद रखिएगा दोस्तों सेकेंड लार्जेस्ट कंटीनेंट है सेकेंड लार्जेस्ट आप इसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं है ना और आपको मालूम है कि इससे आपकी इक्वेटर लाइन भी गुजरती है इससे आपकी इक्वेटर भी गुजरती है और दूसरी आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी गुजरती है ठीक है कर कर्क रेखा भी गुजरती है और इसके अलावा अगर आप देखने जाएंगे तो इससे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कौन सी अप्रीकॉन ये भी आपकी गुजरती तो और इसके अलावा दूसरा अगर हम लोग देखने जाएं तो आप यहाँ से डार्क कंटिनेंट भी इसको आप बोलते हैं आपने अभी बोला हुआ है डार्क कॉन्टिनेंट और याद रखिएगा दोस्तों इसकी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग आप कह सकते हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन है समय तो अगर सबसे ज़्यादा स्पीड से जनसंख्या कहीं बढ़ रही है वो है आपकी कौन सी अफ्रीका साउथ अफ्रीका है ना और 2024 में आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समिट को ये सॉरी अभी वर्तमान में ब्रिक्स समिट को भी होस्ट किया था तो राइट आंसर है थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन थ्री राइट अगला सवाल है दोस्तों पूछा गया है कि एक्सरसाइज एक था अभी हाल ही में कहा पर ऑर्गेनाइज की जा रही अभी देखिए जो वर्तमान में न्यूज में चल रही है आपने पढ़ा होगा कि एक वज्र प्रहार ये न्यूज में चल रही है अभी आज और कल ही ये न्यूज में थी अभी हाल ही में हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में होने वाली है वज्र प्रहार और एक आपने पढ़ी होगी जो अभी दूसरी न्यूज में थी उसका नाम क्या था मित्र शक्ति तो अभी हाल ही में मित्र शक्ति भी न्यूज में थी तो बताइएगा जरा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विच वन इज़ राइट वेरी गुड चलिए बहुत सारे लोगों के इसके आंसर आ रहे हैं बहुत महान बच्चे ये जो होने वाली है दोस्तों याद रखिएगा मालदीव में दैट इज़ अ ऑप्शन इज द राइट आंसर मालदीव जिसकी कैपिटल आप पढ़ते हैं दोस्तों दैट इज़ अ माले करेंसी जब भी हम लोग पढ़ते हैं मालदीव की तो याद रखिएगा दट हज़ार रुपया उसकी जो करेंसी है वो है रुपया और जो कैपिटल आप पढ़ते हैं दैट इज माले दोस्तों अगला सवाल पूछा जा रहा है गंगा नदी के उद्गम स्थल की धारा को क्या कहा जाता है तो द हेड वाटर्स ऑफ द रिवर गंगा इज कॉल्ड मंदाकनी है अलकनंदा है भागीरथी है या फिर सुरसरी है मंदाकनी है अलकनंदा है भागीरथी है या फिर सुरसरी इसका सही आंसर जरा बताएगा कि विच वन इज राइट गंगा नदी की उद्गम ये एक ही है नटीज इज याद रखिए भागीरथी भागीरथी इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन थ्री इज राइट अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपकी आ, मतलब ये सिनेकोलॉजी है कैन बी आइडेंट डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग इसको थोड़ा सा पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए गंगा नदी का तो ऑलरेडी हमने पूरा मैप पढ़ा हुआ है ना कर्ण प्रयाग रुद्रप्रयाग देव प्रयाग सब तो आपने पढ़े होंगे इस में से जो सही आंसर हो जाएगा गाइज मेरे दोस्तों दैट इज अ ब्रांच ऑफ इकोलॉजी दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटीज ठीक है चलिए मूविंग अहेड पूछा जा रहा है कि कंट्री इज इज सेट टू डिप्लॉय अ अ सैटेलाइट दैट साइलेंट अभी देखो इंडिया ने हमने बहुत सारी अलग अलग साइलेंट uh, एक मिसाइल लॉन्च की हुई है दैट इज अप्रैल है एक अभी आपको मालूम है दूसरा आपने एक लॉन्च किया दैट इज अ विक्रम एस तो ये भी आप लेकर के आए हुए हैं तो आपकी स्काई रूट कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाता है साइलेंट ब्रेकर जो सैटे, एक सैटेलाइट है ये कौन लॉन्च कर रहा है यूएसए यूक्रेन या फिर चाइना वन इज करेक्ट तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर है दैट इज ठीक है तो साइलेंट ब्रेकर जो लॉन्च की जा रही है वो किसके द्वारा यूएसए के द्वारा दोस्तों ठीक है निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं जरा तो बताइएगा कि वन इज राइट बैडमिंटन क्या बात है बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं तो ये हैं के श्रीकांत इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं ना, आ, आ, ही है, है ना के श्रीकांत याद रखिएगा सॉरी के श्रीकांत सॉरी ये के श्रीकांत ही बोलते हैं ना इनको किदम्बी श्रीकांत है ना और इनको 2015 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया जा किया जा चुका है 2018 में है ना और इन्होंने मेन सिंगल्स फाइनल भी जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसी के बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई हम लोग पढ़ते हैं तो आंसर इज़ वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर ठीक है चलिए अगले सवाल पर हम लोग चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है कि दादा भाई नौरोजी क्या थे एक बिजनेस थे डॉक्टर थे सोल्जर थे या ब्रिटिश ऑफिसर थे अब देखो दादा भाई नोलॉजी के बारे में आपने मल्टीपल थिंग्स पढ़ी हुई है मल्टीपल थिंग्स मैं लिखूंगा नहीं बस आपको बोल दूंगा कि आ, ये जो थे ना दोस्तों एक तो इन्होंने सबसे पहले देश की राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट किया रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिया धन अन्ब्र, अन्ब्र, के अपमान का सिद्धांत पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब को लिखा स्वराज तो का आइडियोलॉजी को भी इन्होंने प्रतिपादित किया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की भी स्थापना की पहले भारतीय भी थे जो आपके ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट में जाकर के सदस्य बन जाते हैं तीन बार आईएनसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं तीन बार आईएनसी के इनको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला लेकिन इनका अगर फील्ड पूछा गया तो याद रखिएगा ही वॉज द बिजनेस मैन बिजनेस मैन व्यक्ति थे दोस्तों ठीक है बिजनेस मैन व्यक्ति थे ये और वो और वैसे भी जिस कम्युनिटी से आते हैं वो मैक्सिमम लोग बिजनेस ही होते हैं पूछा गया कि हु हैव अपॉइंटेड फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन एंड इन विच ईयर तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन इंडियन एजुकेशन दोस्तों ये आपको पढ़ना पड़ेगा हम लोग देखो बात कर रहे होंगे यहां पर लॉर्ड मैकाले के बारे में आपने मैकाले कमीशन के बारे में पढ़ा है और एक हम लोग पढ़ते हैं वुड्स डिस्पैच ये दो है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वुड्स डिस्पैच और मैकाले वाला पार्ट से जो राइट right आंसर आप कर लेंगे दैट इज अ लॉर्ड रिपन एक्चुअली में और ये लॉर्ड रिपन अगर आपको याद हो लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ रिफॉर्म के फादर भी माने जाते हैं ठीक है लॉर्ड रिपन लोकल सेल्फ रिफॉर्म के फादर भी माने जाते हैं तो इन्होंने जो सबसे पहला एजुकेशन कमीशन है ये 19, 1882 में स्थापित किया था जिसका नाम था सर विलियम हंटर हंटर कमीशन जी मैं शायद भूल गया थोड़ा हंटर कमीशन बिल्कुल सही बात है अब ये थोड़ा सा मेरे से पॉइंट मिस हो गया हंटर कमीशन याद रखेगा दोस्तों हंटर कमीशन पीएम हंटर कमीशन और का जो टाइम पीरियड था दैट वाज़ द ही इज नोन एज द फादर ऑफ सेल्फ लोकल सेल्फ रिफॉर्म ठीक है और ये जो मैंने आपको बाकी के जो लिखवाए ना यहाँ पे ये तो बहुत बाद में आते हैं अकाले अगर आप देखने जाएं तो वही अठारह के आसपास और ये जो है डिस्पैच ये चौवन के आसपास ये बहुत बाद में आते हैं दोस्तों क्लियर है ना ठीक है चलिए अगला सवाल है पूछा जा रहा है कि गुड़ी पाड़वा का त्यौहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है विच वन इज राइट महाराष्ट्र है पंजाब है गोवा है या उड़ीसा है विच वन इज राइट गुड़ी पाड़वा हो गया और आ, तमाशा हो गया तमाशा गुड़ी पाड़वा तमाशा और एक हम लोग डांस भी तो पढ़ते हैं यहाँ का और ये तो न्यू ईयर है ना, गुड़ी पाड़वा न्यू ईयर के तौर पर मनाया जाता है न्यू ईयर यहाँ का फोक डांस क्या है ज़रा बताइएगा मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा हाँ लावनी वेरी गुड लावनी लावनी तमाशा और ये गुड़ी पाड़वा देट इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र ठीक है अगला सवाल है जीवाणु कसाबिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए तो लॉन्गेस्ट पार्ट पूछा गया है बैक्टीरियल फ्लैगलम का और ये बसल बॉडी होगा हुक होगा टेल होगा या फिर फिलामेंट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ अ ऑप्शन फोर इज द राइट आंसर ऑप्शन फोर इज चक्र प्राप्त करने वाली नहीं रोहित लेकिन कभी -कभी दिमाग में नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात बिल्कुल सही है, है। लेकिन कभी कभी दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है ना कि वो कभी कभी कोई पॉइंट होता है कि माइंड में पता नहीं किस कोने में कहां पर छिप करके बैठ जाता है और और जब उसको याद करने का प्रयास करो जब वो याद नहीं आता है पता नहीं ये मेरे साथ ही होता है या फिर ये एक कॉमन ह्यूमन समस्या है जो सभी लोगों के साथ होता होगा दे के, दे के छिप जाता है हमसे, हमारे दिमाग में छिप जाता है कहीं पर तो इस क्वेश्चन का जो राइट right आंसर हो जाएगा दोस्तों ठीक है आई होप वेरी क्लियर ऑप्शन तो ये दोस्तों याद रखिएगा पहली भारतीय महिला है जिनको अशोक चक्र से सम्मानित किया जा चुका है मेहरोली दिल्ली में स्थित लॉय स्तंभ निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का माना जाता है है स्तंभ तो आपने सुना होगा काफी प्रसिद्ध और मेहरोली स्तंभ ये जो मेहरोली एरिया है खासतौर से जब अभी हाल ही में एक न्यूज में आ गया था जब रिसेंट में एक मर्डर केस हुआ था है ना अगर आपको याद हो एक लड़की की हत्या कर दी गई थी उसके बॉडी पार्ट्स इधर उधर फेंके गए थे तब भी ये बहुत न्यूज में आ गया मेहरोली एरिया में रहता है कहां पे रहता है ये तो क्लियर नहीं है बट जुबा में नहीं आता ये आप बिल्कुल कह सकते अपना पटना बिहार बोल रहे हैं योगा कीजिए ठीक है फिर मैं कल मुझे उठना पड़ेगा है ना ठीक <laughs> है कल योगा करते हैं दोस्तों है ना <laughs> अच्छी बात है तो यह है चंद्रगुप्त द्वितीय और इसमें चंद्र नाम के राजा के बारे में परिभाषित है चंद्र राजा क्योंकि अगर आप समुद्रगुप्त से देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रयाग प्रशस्ति तो यहां से जो जुड़ा हुआ है याद रखेगा प्रयाग प्रशस्ति मिल जाएगा तो आपको जो अलाहाबाद पिलर है वो मिलेगा समुद्र गुप्ता से जुड़ा हुआ अलाहाबाद और स्कंद गुप्ता से मिल जाएगा भित्री तो जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड आपने पढ़ा होगा दोस्तों जिसको विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया है विक्रमादित्य और आपने पढ़ा होगा कि इसके राजदरबार में नाइन ज्वेल्स से यानी कि रत्न हुआ करते थे जिनमें से कालिदास जी भी एक महान विद्वान थे यही राजदरबार में मौजूद थे और गुप्त साम्राज्य जिसको आप स्वर्णिम युग बोलते हो क्योंकि गुप्त साम्राज्य में भारत में हर एक क्षेत्र में ग्रोथ देखने को मिलती है चाहे वो आर्किटेक्चर हो इंजीनियरिंग हो स्कल्पचर हो, हो ठीक है लिटरेचर हो संस्कृत हो या फिर आपका एस्ट्रोनॉमी हो एस्ट्रोलॉजी हो ठीक पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एस डी जी सीक टू प्रोटेक्ट रिस्टोर एंड प्रोमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इको सिस्टम सस्टेनेबल आई यू मैनेज फॉरेस्ट कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड हॉल्ट एंड रिवर्स लैंड डिग्रेडेशन एंड हॉल्ट बायो हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लॉन्च किए गए हैं बाई एनडीपी और आपको मालूम है कि इसका जो टारगेट ईयर है जिसको हम लोगों ने अचीव करना है टारगेट ईयर है वो है आपका 2030 अब दोस्तों इसके अंदर जो टोटल लक्ष्य है याद रखिएगा जो टोटल लक्ष्य रखे गए हैं टोटल जो गोल है वो है दे आर द सेवेंटी ठीक है टोटल गोल कितने सेवनटी अब इसमें से सेवनटीन गोल में से जो टप से टॉप पर चल रहा है वो याद होगा दोस्तों इंडिया में दर इज़ अ केरला और जो सबसे लीस्ट डेवलप्ड चल रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो है आपका बिहार और इसमें से जो करेक्ट आंसर याद रखिएगा ये सत्रह में से कौन से नंबर का है तो पंद्रह नंबर का लक्ष्य है ठीक है सत्रह में से कौन से नंबर का है पंद्रह नंबर का लक्ष्य अरे दोस्तों ये तो पहले समझ लो ये बोल रहा है कि जो टोटल सत्रह गोल हैं उन सत्रह गोल में से आ, ये जो है आपका कौन सा है ये जो पूरे इतनी बड़ी परिभाषा डिफाइन कर दी गई ये कौन से नंबर का गोल है ठीक है तो ये पंद्रहवें नंबर का गोल है लेकिन अगर ऐसे सवाल आ गया तो समझ लो कि हमारा दिमाग भी वहां पर गोल ही हो जाएगा भगवान करें ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस तरह का क्वेश्चन ना वरना वहां पे भी एग्जाम एक्जा, सेंटर में भी दिमाग गोली होने वाला है <laughs> तो ये है गाइज आपका सिक्सटी फर्स्ट कि वोटिंग एज कर दी गई थी इक्कीस से ठीक 18 अठारह कर दी गई थी ऑप्शन फोर इज राइट नाइनटीन एटी नाइन क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था ये तीनों याद रखिएगा पहला तीसरा और चौथा टाइम पीरियड लिख देता हूं अठारह सौ पचासी अठारह और अठारह और अठारह और बी सी एम 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 ए का मतलब याद रखेगा दोस्तों है ना बॉम्बे कोलकाता मद्रास अलाहाबाद हेड भी लिख देता हूँ यहाँ पर डब्ल्यू सी बनर्जी थे यहाँ पर हमारे दादा भाई थे है ना नोरजी साहब और यहाँ पर बदरुद्दीन तैयब जी थे बदरुद्दीन याद रखेगा तैयब जी और यहाँ पर याद रखेगा जॉर्ज यूले कौन से थे जॉर्ज यूले तो जॉर्ज यूले पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे और बदरुद्दीन जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और डब्लू सी बनर्जी दादा भाई जी तो क्लियर है तो लगभग पूरा पार्ट क्लियर हो चुका होगा ठीक है पैटर्न याद रखना है कौन सा बी सी बॉम्बे कोलकाता मद्रास एंड अलाहाबाद ठीक है और आपको मालूम है कि पहले अधिवेशन में टोटल कितने बहत्तर लोग ही आए थे ना बहत्तर डेलीगेट तो बहत्तर लोग आए थे मिले बैठे बातचीत की और कांग्रेस का वहां से सा, वो क्या दोस्तों ठीक है अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार पथ के साथ गतिमान पिंड का वेग इसका उदाहरण है जरा बताएगा कि विच वन इज राइट से आप लोग किस ऑप्शन पर जाएंगे ठीक है वन इज करेक्ट और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों याद रखिएगा दर इज एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेटेड मोशन इज द राइट आंसर ठीक है दर इज ऑप्शन से करेक्ट ठीक है अगला सवाल देखेंगे हम लोग पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध चौहान शासक था ठीक तो, है चौहान शासक था लड़े हैं तराइन के युद्ध इन्होंने ही लड़े हैं दोस्तों तराइन के युद्ध लड़ेंगे आल्हाउदल के साथ इनके युद्ध होंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑस पृथ्वीराज तृत ही टिक करने जाएंगे दैट इज ऑप्शन थ्री इज द राइट आंसर जिसके समय में आप एक कवि के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम था चंद्र बरदारी ठीक है जिनका नाम क्या था चंद्र बरदारी और आप इनको एक और नाम दे सकते हो तो इनको एक और नाम दिया गया राय पिथौरागढ़ नाम दिया गया राय गढ़ हम लोग राय पिथौरागढ़ के बारे अगला सवाल है 1955 उन्नीस सौ पचपन में दिमित्री मेंडलीव के सम्मान में किस सिंथेटिक तत्व को अंतिम रूप से मैंड मेंदल, मेंडलीवियम नाम दिया गया था चलिए गाइस टाइम हो चुका है और कंक्लूड करूंगा मैं और इसके बाद आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देता हूँ ये है आपका ऑप्शन सेकेंड और ये रहा आपका होमवर्क का क्वेश्चन इसका जो है आंसर है कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा पूछा गया है कि उन भाषाओं में से एक है जिसमें एक समकालीन भारतीय मुद्रा नोट के पीछे मूल्य वर्गित मुद्रित होता है ठीक है ये जरूर बताएगा दोस्तों तो नेपाली है जोंगखा है सिंगली है आ, या फिर बर्मी है ठीक है इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा ये होमवर्क का क्वेश्चन है और बाकी ये भी बताएगा कि आज का सेशन कैसा लगा है और सभी को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों है सेशन को अटेंड करते रहिए रेगुलर बेसिस पर होता है वन पी पर पी मिल जाती है टेलीग्राम पर तो ऑलरेडी जो भी पेंडिंग पी थी वो मैंने अपलोड कर दी है जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं और बाकी जो हमारा विक्ट्री बैच है ये बिल्कुल लाइव है आप इसमें अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और अभी भी इसके जो एनरोलमेंट्स हैं वो बिल्कुल गोइंग ऑन है आप जो भी कोर्स के लिए एनरोल करना चाहते हैं बिल्कुल देरी मत करिए और राइट टाइम है एगाज देखिए प्रिपरेशन करने का कोई राइट टाइम नहीं होता मतलब अगर अभी भी आप करना चाहते हैं तो अभी भी आप हमारे साथ आ सकते हैं और इनरोल कैसे आप कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ बहुत ही सिंपल गाइज ठीक है बहुत ही सिंपल और बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं बस वही है कि आपने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा चीज़ों को ठीक है और थोड़ा सा भी अगर आप फोकस कर लेंगे तो बहुत आसानी से कर ले जाएंगे ठीक है बहुत आसानी से कर ले जाएंगे तो सिंपली जो भी हमारे कोर्सेस हैं उसमें सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं और आपको मॉक टेस्ट वगैरह यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है ठीक है तो अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं और जो भी हमारे प्रैक्टिस सेशंस हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं एवरीथिंग इज़ अवेलेबल सब कुछ अवेलेबल है और बस सिंपली uh, आपने करना क्या है दोस्तों कि आप uh, ये जो हमारा कोर्स देख पा रहे होंगे पहले तो देख लीजिए आई होप कि सभी को ये डिस्क्रिप्शन में ये दिख पा रही होगी लिंक ठीक है हमारा कोई अभी ठीक है अभी आई होप के देख पा रहे होंगे जो हमारा कोर्स है ठीक है ये समय लाइव सेशनस है हमारा गोइंग ऑन है देखो आप देख पा रहे हो शायद तो जो भी हमारे इस समय लाइव सेशन ऑन है तो आप उनको बिल्कुल आ सकते हैं इंजीनियरिंग चैनल को सर्च करिए और जैसे आप इंजीनियरिंग पर पहुंच जाएंगे तो आप ये देखेंगे कौतुभ सर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और मैं अपनी क्लास बस एंड करने वाला हूँ यहाँ पर हमारा ये सेशन गोइंग ऑन है तो आप सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना है बेल आइकन हिट कर लेना है और यहाँ पर देखोगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा मेरे जो भी सेशनस हैं उन सर प्ले लिस्ट यहाँ पर जाएंगे तो आपको ये बैच दिख जाएगा ठीक है बैच में जो भी आपके सारे कोर्सेज हैं टेक्निकल नॉन टेक्निकल सभी कवर कराए जा रहे हैं दोस्तों साथ में आपको एक एक्स्ट्रा गाइडेंस सेशन भी दिया जा रहा है तो आप इस गाइडेंस सेशन हिस्सा बन सकते हैं ठीक है और अपनी जो भी तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं और ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो डिस्काउंट्स हैं तो डिस्काउंट्स अभी भी गोइंग ऑन है ठीक है बस आपको जाना ये है कि बिल्कुल एग्जाम तक आपके वैलिड होगा आपको इसको करना है और यहाँ पे जो कूपन कोड लगा लेना है वो याद रखिएगा गाइस दैट इज़ आर यस एच आई जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सो यू विल यूल ठीक है चलिए सो थैंक यू सो मच मुलाकात करते हैं हम लोग कितने बजे तीन बजे आज तीन बजे मास्टर क्लास रहेगी मास्टर क्लास काफी दिन से नहीं हो रही है तो मास्टर क्लास बिल्कुल एप्लीकेबल हो आप ये देख पा रहे हो कितने में है ये एक हजार पांच सौ सात रुपये में पंद्रह सौ रुपये में कोर्स मिल रहा है ठीक है पंद्रह सौ रुपये में और वो भी डबल ए आई ए टी सी का जिसकी सैलरी तेरह लाख रुपए पर ईयर पैकेज है चलिए थैंक यू सो मच गाइस ठीक है मिलते हैं हम लोग कितने बजे तीन बजे मास्टर क्लास में तो हमें याद रखिएगा जय हिंद